हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ पाइनएप्पल, अनानास की खेती। और बीच बीच में आप लोग थोड़ा सा अपना 5 सेकंड का समय निकाल करके अपने फ्रेंडों को प्लीज शेयर कर दीजिए, जिससे काफ़ी लोग जुड़ जाएं, सभी लोग इस लेक्चर का आनंद उठाएं। तो चलिए, हम लोग समय को व्यर्थ न करते हुए आइए हम लोग पढ़ते हैं कल्टीवेशन ऑफ पाइनएप्पल। कल्टीवेशन ऑफ पाइनएप्पल, पाइनएप्पल को हम किस नाम से जानते हैं? फ्रेंडशिप फ्रूट के नाम से जानते हैं। इसका बोटैनिकल नेम आप देख रहे हैं, बोटैनिकल नेम या साइंटिफिक नेम दोनों एक ही होता है। इसका बोटैनिकल नेम है अनानास कमोशस, फैमिली ब्रोमोलियेसी, गुणसूत्र संख्या 2n = 15, ओरिजिन प्लेस उत्पत्ति स्थान इसका ब्राजील है। एडिबल पार्ट, खाए जाने वाला भाग कौन सा है? ब्रैक्ट एंड पेरियन। उसके अंदर खाया जाने वाला भाग, जब उसका छिलका रिमूव हम कर देते हैं तो उसके अंदर कहीं कहीं पे स्पेस रहता है, उसमें कटीले रहते हैं, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं तब खाते हैं, उसी को हम कहते हैं ब्रैक्ट एंड पेरियन। इनफ्लोरोसेंस, पुष्प क्रम उसका क्या है? तो स्पाइक प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है पाइनएप्पल में। पॉलिनेशन यानी परागण किस प्रकार का होता है? क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण होता है। तो किसके माध्यम से होता है? तो परपरागण जो होता है वो हमिंग बर्ड यानी आर्निथोफिलस के माध्यम से ही परागण होता है। प्रोपोगेशन यानी प्रवर्धन, सकर्स, जैसे कि हम लोग बनाना में पढ़ चुके हैं, प्रोपोगेशन उसमें भी सकर्स के माध्यम से होता है। तो जस्ट लाइक सेम, यहां पर भी 500 से 750 ग्राम का इसका सकर्स होना चाहिए। जो इसका सकर्स होता है प्रोपोगेशन, प्रवर्धन करने का समय जो होता है, तो एट दैट टाइम उस सकर्स का वेट 500 से 750 ग्राम होना चाहिए। टेम्परेचर यानी तापमान, जो इसका तापमान है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 22 से 32 डिग्री सेल्सियस है। और रही बात फिर आगे स्टोरेज टेम्परेचर की, कि हम कितने टेम्परेचर पर इसको स्टोर करें, तो वो है 10 से 13 डिग्री सेल्सियस। टाइप ऑफ फ्रूट, किस प्रकार का ये फल है? तो सोरोसिस प्रकार का फल है। शुगर इसके अंतर्गत 10 से 12% पाई जाती है। एसिड, इसके अंतर्गत कौन सा एसिड पाया जाता है? और एक एंजाइम भी पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है ब्रोमोलिन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ब्रोमोलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और एसिड कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक एसिड, 0.3 to 0.6%। ग्रोथ कर्व, सिंगल सिग्मोइड। टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पिक, इसमें कौन सा, किस प्रकार का पार्थेनोकार्पिक होता है? तो वेजिटेटिव प्रकार का पार्थेनोकार्पिक होता है। और टाइप ऑफ सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, गैमेटोफिटिक। पाइनएप्पल इज ए कैंप प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, हर्बेसियस प्लांट, जीरोफिटिक प्लांट,
और फ्लावर बड डिफरेंशिएशन आफ्टर 40 लीव्स स्टेज. इट्स ओके, इतना कंप्लीट. अब हम लोग हेडिंग डालते हैं नेक्स्ट हेडिंग. इन ऑल फ्रूट ड्यूरिंग एसिडिटी आर डिक्रीजिंग एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, बट इन दिस पाइनएप्पल आफ्टर राइपनिंग इंक्रीज द एसिडिटी. पाइनएप्पल इज रेटून क्रॉप. इथेनॉल इज यूजफुल फॉर आर हेल्पफुल फॉर मोर फ्लावरिंग एंड प्लांटिंग सिस्टम. प्लांटिंग सिस्टम जो है अनानास का वो फ्लैट बेड वेस्टर्न प्लेन में इसका यूज होता है. इस मेथड को सर्वाधिक वेस्टर्न पश्चिमी क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है. फरो मेथड इन हिल मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है फरो मेथड का, और कंटूर मेथड का भी पहाड़ी क्षेत्रों में ही उपयोग किया जाता है. ट्रेंच मेथड इट इज मोस्टली यूजफुल इन इंडिया, मोस्टली फॉलोड इन इंडिया. मतलब इसको इस मेथड को ट्रेंच मेथड को ही भारत में सर्वाधिक प्रचलित है और इसका ही उपयोग किया जाता है. प्लांटिंग सिस्टम प्लांटिंग डिस्टेंस या वी कैन से दैट स्पेसिंग 22.5 × 60 × 75 cm² स्क्वायर. अगर हम इस मेथड के माध्यम से कितने सेंटीमीटर के माध्यम से प्लांट मतलब रोपाई करते हैं तो 63,400 प्लांट 63,400 प्लांट पर हेक्टेयर हम लगा सकते हैं. एक इन दिस ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया और ह्यूमिड एरिया सब ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड रीजन में ही इसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग 25 × 60 × 90 cm पर हेक्टेयर प्लांट कितने होते हैं 53,300 प्लांट पर हेक्टेयर लगते हैं. तो ये ट्रॉपिकल एरिया में लगते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में. ग्रेड इसका जो ग्रेड है लेस देन 515 ग्राम है. बेबी प्रूफ यही नाम से इसको. अमोनियम सल्फेट जो फर्टिलाइजर होता है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है. डिलीफिज एनालिसिस ऑफ न्यूट्रिएंट इन दिस प्लांट पाइनएप्पल. नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे वेराइटीज. पाइनएप्पल प्लांट फ्लावर्स आफ्टर 12-15 मंथ एंड फ्रूटिंग 15-18 15-18 मंथ आफ्टर. ब्रेक्स परसेंट 16%. इसका जो मैच्योरिटी इंडेक्स है वो डिग्री ऑफ फ्लैटनेस है. तो चलिए अब हम पढ़ेंगे वेराइटीज. क्यू जियंट क्यू इट इज कमर्शियल पर्पज मतलब यह कमर्शियल पर्पज से उगाया जाता है भारत में. क्वीन जो वेराइटी है इस वेराइटी का ये अर्ली वेराइटी है. बेस्ट डिजर्ट मतलब डिजर्ट में बेस्ट है. और जलधूप एंड लखत इट इज ए क्वीन ग्रुप ऑफ इसका जो ग्रुप है वो क्वीन ग्रुप का है. कार्बेंजोना बलहेड कैनी ये जो वेराइटियां हैं ये तीनों ट्रिप्लाइड वेराइटी है. ट्रिप्लाइड हेलो.
फ्री फ्रॉम चिलिप्स, ये लो जो वैरायटी है वो फ्री फ्रॉम चिलिप्स है। मैच मारेटियस रेड स्किन कलर, रेड स्किन की इसकी कलर होती है। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे डिजीज, डिजीज आइए तो पहला डिजीज है इसका मल्टीपल क्राउन, ये जेनेटिकल ऑब्जेक्ट के माध्यम मतलब कारण होता है और न्यूट्रिएंट की कमी से, न्यूट्रिशन बेस्ट। सेकेंड डिजीज आता है क्रैक नेक और लॉन्ग टंग, डिफिशियंसी ऑफ कॉपर, कॉपर की कमी से यह डिजीज क्रिएट होती है। और तीसरी डिजीज आती है नेक्स्ट एलो डिजीज, एक्सेस ड्यू टू एक्सेस ऑफ मैग्नीज, विल्ट। फोर्थ आता है विल्ट, विल्ट है जो डिजीज है ये वायरल जनित है और ट्रांसमिटेड बाय मीली बग है। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाइनएप्पल का जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2016 यूपी कैट में जो पूछा जा चुका है वो है इसकी फैमिली, इसकी फैमिली क्या है तो ब्रोमोलिएसी है, और ब्रोमोलिएसी फैमिली है और इसमें ब्रोमोलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना, तो आप बीच बीच में 5 सेकंड का समय देकर आप अपने मित्रों को प्लीज शेयर कर दीजिए जिसके माध्यम से सभी लोग जुड़ जाएं।